हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ एडुकेशन बुक से सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन फॉर्मल एडुकेशन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले लेसन को समझेंगे। लेसन को बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके में आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो कि हर साल आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में नॉन फॉर्मल एडुकेशन के बारे में पढ़ना है। तो नॉन फॉर्मल एडुकेशन को पढ़ने से पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि एडुकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एडुकेशन तीन टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल एडुकेशन, फॉर्मल एडुकेशन और नॉन फॉर्मल एडुकेशन। तो सबसे पहले इनफॉर्मल एडुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल एडुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एडुकेशन वो कहीं भी एडुकेशन, मतलब ऐसा नॉलेज जो हमें कहीं भी मिल सकता है। वो हमें रास्ते में मिल सकता है, वो हमारे घर पे मिल सकता है, बस उस तरीके के नॉलेज को हम लोग इनफॉर्मल एडुकेशन कहते हैं। जैसे कि इनफॉर्मल एडुकेशन एक बहुत लाइफ टाइम लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि हम बचपन से लेकर जब तक मरते हैं यानी कि बुढ़ापे तक हम सीखते रहते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं, और अगर रास्ता क्रॉस करने में अगर मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है, तो बगल वाला भैया या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हमको बताएंगे कि नहीं, रास्ते को ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ से भी हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया। तो इस तरीके के नॉलेज को या फिर कोई भी तरीके का अगर हम लोग कुछ सीखते हैं तो इसे हम लोग इनफॉर्मल एडुकेशन कहते हैं। जैसे कि ये इंडिविजुअल लर्नस है, तुम्हारा फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, या हमारे घर पे हम सीख सकते हैं, या हमारे कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो मान लो कि कोई नट ही अगर टाइट करना है तो हम लोग मान लो कि उल्टा टाइट कर रहे हैं, तो कोई आके हमें बताएगा कि नहीं, इसे ऐसे नहीं, ऐसे बाएं से नहीं दाएं से घुमाना चाहिए। तो वो भी क्या है, वो भी हम कुछ सीख रहे हैं। कुछ गेम अगर खेल रहे हैं, कोई हम लोग खेल ही खेल खेल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी हम लोग कुछ सीखेंगे। तो ये टाइप के एडुकेशन को हम लोग इनफॉर्मल एडुकेशन कहते हैं। फिर आ जाते हैं फॉर्मल एडुकेशन की तरफ। फॉर्मल एडुकेशन क्या है? तो फॉर्मल एडुकेशन हमारे लिए क्या है, एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ग्रेडेड स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें जो जहाँ की हम मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो भी हम लोग नॉलेज या फिर एडुकेशन गेन करते हैं उसे हम लोग फॉर्मल एडुकेशन कहते हैं। यहाँ पे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज में जाते हैं तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है। फिर ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे कि मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एडुकेशन यहाँ पे फुल टाइम है, फुल टाइम यानी और टाइम बेस्ड होता है। जैसे कि 8 बजे स्कूल खुलेगा और 3 बजे बंद होगा, तो हर रोज़ वो 8 बजे और 3 बजे ही बंद होगा। तो उस तरीके से ये फुल टाइम होता है और टाइम बेस्ड पे होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट्स मिलता है। जैसे इनफॉर्मल एडुकेशन में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, अगर हम हमारे मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स हमें कुछ सिखाते हैं तो उसके बदले में हमें सर्टिफिकेट थोड़ी देते हैं। लेकिन फॉर्मल एडुकेशन में हम जैसे क्लास को पास करते रहते हैं, हमें एक एक सर्टिफिकेट मिलते रहता है, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, डिग्रीज हो गया वगैरह वगैरह। उसके बाद देख लेते हैं नॉन फॉर्मल एडुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एडुकेशन एक्चुअली में है क्या? तो नॉन फॉर्मल एडुकेशन एक्चुअली में ये दोनों का ही मिला जुला एक रूप है, फॉर्मल एडुकेशन और इनफॉर्मल एडुकेशन का एक मिला जुला रूप है। तो नॉन फॉर्मल एडुकेशन में हमें कोई बेसिकली क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि फॉर्मल एडुकेशन में हमें क्लासरूम में बैठ के पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि हमें क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ना है, हम यहाँ पे कहीं से भी हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और जैसे कि इनफॉर्मल एडुकेशन में क्या था, वहाँ पे एक पर्टिकुलरली क्लास होता था और उस क्लास के हिसाब से बच्चों के एज लिमिट जो है ना बांधे होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एज का बच्चा लोग यहाँ पे एडुकेशन ले सकते हैं, बच्चे बूढ़े हर कोई ले सकते हैं। यहाँ पे लाइफ एनवायरनमेंट और लर्नर ओरिएंटेड के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन जब बताऊँगा तो उसमें डिटेल में बताऊँगा कि नॉन फॉर्मल एडुकेशन एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये सारे नॉन फॉर्मल एडुकेशन के बारे में आता है, जहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते टीचर्स के साथ, कभी कभार इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ। और फॉर्मल एडुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, रोज़ इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे हम लोग टीचर्स के साथ कभी कभार ही करते हैं। और इनफॉर्मल एडुकेशन में तो हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की दिमाग में क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि एक्चुअली में ये सारे है क्या। तो ये पहला कंपैरिजन मैंने किया है फॉर्मल
इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल के बीच में, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन कंपैरिजन है। जैसे कि इनफॉर्मल में क्या बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है लर्निंग का, ये कहाँ भी कहीं भी हो सकता है। फॉर्मल में क्या बताया गया है, ये एक्चुअली में हम लोग ये एडुकेशन हम लोग लेते क्यों हैं, ये एक्चुअली हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए लेते हैं, जॉब के लेते हैं। नॉन फॉर्मल एडुकेशन हम लोग क्यों लेते हैं, हम नॉलेज के लिए, स्किल के लिए लेते हैं। प्लेस बताया गया है कि इनफॉर्मल एडुकेशन कहाँ पे टेक प्लेस करता है, तो इनफॉर्मल एडुकेशन का कोई डेफिनेट जगह नहीं है। ये आपके घर में भी हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है, प्लेग्राउंड पे हो सकता है, सड़क पे हो सकता है, जहाँ भी अगर आप कुछ भी सीख लो वहाँ हम लोग उसे इनफॉर्मल एडुकेशन कह सकते हैं। फॉर्मल एडुकेशन क्या होता है, इसके कुछ एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, आपको वहीं चार दीवारी के अंदर ही पढ़ना और सीखना पड़ता है। लेकिन नॉन फॉर्मल एडुकेशन जो कि इस चैप्टर में है, उसमें हमें कहाँ सीखना पड़ता है, वो आपके लाइब्रेरी में हो सकता है, ओपन स्पेस में हो सकता है, घर में हो सकता है, यानी कि ये दोनों का मिला जुला है, इनफॉर्मल और फॉर्मल एडुकेशन का दोनों का मिला जुला है। फिर एज ग्रुप, इनफॉर्मल में एनी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप का हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, वो कोई भी एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल एडुकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने कभी देखा है कि क्लास वन में 50 साल का बूढ़ा कोई पढ़ रहा है, नहीं ना। कभी आपने ये देखा है कि कॉलेजेस में क्लास यानी कि 5 या फिर 6 ईयर्स ओल्ड कोई बच्चा पढ़ रहा है, नहीं ना। तो कुछ क्लासेस के लिए कुछ एज ग्रुप बांटे गए हैं, क्लासेस उस तरीके से चलते हैं यहाँ पे। नॉन फॉर्मल में क्या बताया गया, एनी एज ग्रुप, तो फिर से वही दोनों का मिला जुला, कोई भी एज ग्रुप यहाँ पे एडुकेशन ले सकता है। कैरिकुलम के बारे में, तो इनफॉर्मल एडुकेशन में कोई कैरिकुलम होता ही नहीं है, है ना। फॉर्मल एडुकेशन में क्या होता है, हाँ एक पर्टिकुलर कैरिकुलम फिक्स्ड होता है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपका एग्ज़ाम ऐसे होगा, आपके साल में कितने एग्ज़ाम्स होंगे, कैसा सिलेबस होंगे, है ना। एक्चुअली हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। नॉन फॉर्मल एडुकेशन में क्या बताया जाता है, कुछ नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली में हमें जिस तरीके से नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, हम उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आपस में चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताया गया, इनफॉर्मल एडुकेशन का कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होता है, है ना। जहाँ पे मिल जाए हमें नॉलेज, वही हमारे लिए नॉलेज होता है। फॉर्मल एडुकेशन में क्या है, ये एज़ पर रिकमेंडेशन। तो मान लो कि आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE की बुक्स फॉलो करोगे, स्टेट बोर्ड के हो तो स्टेट बोर्ड के बुक्स को फॉलो करोगे, यानी कि जिस स्कूल के हो आप स्टूडेंट, आप उसी स्कूल के या फिर कॉलेज के बुक्स को फॉलो करोगे। फॉर्मल नॉन फॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो वहाँ से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप घर में बैठ के पढ़िए या फिर कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी कंपैरिजन। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस चैप्टर से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल आते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ईयरली क्वेश्चंस हैं, वो हर साल आते रहते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को देखिए, तो ये सारे देखिए 2018, 13, 12, 12 और 16, मतलब हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो ना वो हर साल आते रहते हैं। कोई तो कोई क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब हर एक साल बाद बाद वो रिपीट होते रहता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स वो मैंने नीचे दे रखी है, ये रहा आंसर्स, आप ये सारे आंसर्स को देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो फिर भी अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, तो फिर आप PDF से आसानी से पढ़ सकोगे। लेकिन उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये 4 मार्क के क्वेश्चंस है, 2012 में आया, और 2012 में 3 मार्क का ये क्वेश्चंस है ना। देख रहे हैं मेरिट्स ऑफ ओपन एडुकेशन, है ना, ये सारे क्या नॉन फॉर्मल एडुकेशन एक्चुअली में है क्या, तो ये सब मैंने आपको समझा रखी है। सबके मेरिट्स डीमेरिट्स भी पूछे गए हैं, तो ये मेरिट्स डीमेरिट्स भी इस PDF में मतलब सब अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस PDF में अवेलेबल नहीं है, मतलब हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर अप किया है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल एडुकेशन, डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट होके ये यहाँ पे इधर से ख़त्म होता है, ये पेज नंबर 48 है, ये पेज नंबर 49, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो पेज वाइज भी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको कोई मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको PDF इस तरीके से बना के दे रखी है। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा।
ये देखिए यहाँ पे डिस्कस द मेरिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन क्या है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये सब देखने। तो ये यहाँ तक तो था हमारा ये सेकंड चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी कोई दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर कोई भी दूसरे चैप्टर्स पे बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इससे मुझे पता चलते रहता है कि हाँ, लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत है मेरी वीडियोज़ की, तो आपको भी हेल्प होगा और दूसरे बच्चों को भी हेल्प होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।